Hello guys, I am Ankit and I welcome you to Tech Experience. So, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा कि हम लोग HTML में टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं. तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग अपने वेबसाइट पर इमेज को कैसे एम्बेड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इमेज टैग. तो आज के इस वीडियो में हम लोग HTML इमेजेस के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो HTML इमेजेस हम लोग इसलिए जाना ज़रूरी है कि जो इमेज टैग होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि आप अपने वेब पेज में कोई भी इमेज को एम्बेड कर सकते हो. मीन्स मान लो आपके पास कोई वेब पेज है, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे इमेजेस भी होते हैं. तो उन सब इमेजेस को कैसे एम्बेड किया जाता है वो पॉसिबल होता है बाय द हेल्प ऑफ इमेज टैग. जो हमारा इमेज टैग होता है उसमें सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही होते हैं, वो एक पूरा एंटिटी होता है, उसमें और कुछ नहीं होता है एट्रीब्यूट्स के अलावा. इसलिए हम लोग जो इमेज टैग होता है उसको क्लोज नहीं करते हैं, मतलब उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है. और इसमें हम लोगों को मेनली दो तरह के एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि पहला है हमारा SRC एट्रीब्यूट, जिसमें कि हम लोग अपनी इमेज का पाथ बताते हैं, और जो दूसरा होता है वो मेरा अल्ट एट्रीब्यूट होता है. अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपके इमेज के लिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे शो करता है. मीन सपोज आप कोई भी इमेज डालें और मतलब किसी भी रीजन से आपका वो इमेज वेब पेज पर शो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आप लोगों ने जो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा, जो भी नेम दिया होगा उस इमेज की जगह पर, वो आपका वहाँ पर वो शो होगा. तो अल्ट एट्रीब्यूट का ये काम होता है. तो चलिए हम लोग अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि हमारा जो इमेज टैग होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है. तो इमेज टैग का मेन आपका जो सिंटेक्स होता है वो लिखा जाता है IMG फॉर इमेज. इसमें दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो फर्स्ट वन होता है SRC. SRC में आपको क्या देना होता है, URL, मीन्स आपका जो इमेज है वो किस लोकेशन पर है. अगर आप के मतलब PC में है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जिस भी फाइल में आपका ये HTML का पेज मतलब बना हुआ होगा, आप उसी फाइल में अपनी इमेज को भी सेव करना, ठीक है. हम आगे डिस्कस करते हैं उसमें कि क्या आपको इशू आ सकता है अगर आप इमेज को कहीं और रख रहे हो किसी और लोकेशन पे, और आपका जो HTML का पेज है वो कहीं और लोकेशन पे है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा. तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट वन. इसमें SRC में हम लोग URL एक मतलब SRC में हम लोग URL डालते हैं, और जो सेकंड एट्रीब्यूट होता है वो मेरा होता है अल्ट एट्रीब्यूट. तो ALT अल्ट एट्रीब्यूट में आप क्या देते हो, कोई भी अल्टरनेट टेक्स्ट देते हो, अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है. और सिंपल हम लोग यहाँ पे जो इमेज टैग ओपन किए थे इसको यहाँ पे क्लोज, मीन्स इमेज टैग को क्लोज नहीं करना है, जो मेरा सिंटेक्स पूरा जो एंगुलर ब्रैकेट में होता है उसको मैंने क्लोज किया हुआ है बस. तो ये इसका एक सिंटेक्स होता है. तो चलिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको और अच्छे से कि ये कैसे वर्क करता है. तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. देन अब मेरे को क्या करना है, इमेज को इंसर्ट करना है. तो मैं एक IMG देन SRC मेरे को इमेज का नेम देना है. तो मैंने क्या किया है कि अपने HTML वाले फाइल में मैंने एक एग्जांपल नाम से क्रिएट किया हुआ है, या फिर डाउनलोड कर लिया है एक इमेज को. मैं क्या करूँगा यहाँ पे, example.jpg, यहाँ पर VS Code में आपको ये शो करेगा. आप जिस भी लोकेशन पर होगे, मतलब ये आपका HTML का पेज जिस भी फाइल में होगा, उस फाइल में कोई भी इमेज अगर इस नेम से शो होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा, सजेशंस में आपको आएंगे वहाँ पे. तो आपको एक चीज़ और का यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर आपका इमेज JPG फॉर्मेट में है तो आपको यहाँ पे .jpg ही लिखना है. आप यहाँ PNG नहीं लिख सकते या GIF नहीं लिख सकते हो. मीन्स आपका इमेज जिस फॉर्मेट में है आपको उसी फॉर्मेट में वहाँ पे लिखना है. तो मैं यहाँ पे JPG लिख देता हूँ, ठीक है. तो ये हो गया SRC मेरा हो गया. आप अल्टरनेट टेक्स्ट मेरे को देना है, तो मान लो मैंने अल्ट दे दिया. अल्ट के अंदर मेरे को क्या देना है,
कोई कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको, मान लो इमेज शो नहीं हो रहा तो क्या वहाँ यूज़र को दिखे, तो लिख देता हूँ मैं दिस इज एग्जाम्पल इमेज, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। तो मेरा यहाँ पे HTML इमेज नाम से मेरा क्रिएट हो गया फोल्डर, सॉरी फाइल HTML की, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखो ये क्या हो रहा है कि आपका इमेज तो शो कर रहा है लेकिन बहुत इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा शो हो रहा है इमेज का। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि इसमें मेरे को हाइट और विड्थ देना होगा। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हाइट में आपको मान लो 500 पिक्सल देना, 500 दे दिया मैंने, और विड्थ में भी मैं 500 पिक्सल दे रहा हूँ, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको मैं सेव करके इसको रन करूँगा तो ये देखो आपका इसका हाइट और विड्थ वो छोटा हो गया मेरा इमेज। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अभी तो वैसे मैंने CSS के बारे में थोड़ा सा आपको नहीं बताया है, तो नहीं तो मैं उसको बता देता आपको। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके जगह पे आप स्टाइल के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। मीन्स मैं इमेज टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल डिफाइन कर दूंगा, देन उसके बाद मैं उसमें उसका हाइट और विड्थ को डालूंगा। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, बट मैं अभी वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि मैंने CSS का अभी थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका, मतलब इमेज आप ऐसे शो करा सकते हो यहाँ पे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे सपोज कि जो मेरा फाइल है यहाँ पर एग्जांपल नेम से मैंने यहाँ पे फाइल मेरा JPG फाइल एक क्रिएट मतलब है, इसलिए वो यहाँ पे शो कर रहा है। और सपोज़ मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ एग्जांपल वन कर देता हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल वन से तो मेरा यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है इमेज का, तो होगा ये यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ वापस से। अब इसको होना ये चाहिए कि अगर मेरा इमेज शो नहीं हो रहा है तो जो उसके जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट है मेरा ये शो हो। ठीक है, तो मैं इसको रन करके एक बार देखता हूँ क्या होता है। देखो वहाँ इमेज शो नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे आपका एक अल्टरनेट टेक्स्ट शो हो रहा है, दिस इज द एग्जांपल इमेज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि अगर मान लो आपकी जगह आपके लोकेशन पे इमेज वो प्रेजेंट नहीं है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो कि उसके अल्टरनेटिव आपको क्या शो होना चाहिए। तो ये होता है आपका अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब सपोज़ मान लो ये तो मेरा example.jpg सेम फोल्डर में था, मतलब सेम फाइल इसमें था, सेम फोल्डर में था जिसमें HTML का मेरा पेज था, उसी में मेरा इमेज का भी मतलब इमेज भी था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि सपोज़ मेरा जो ये इमेज है वो कहीं और लोकेशन पर है, सपोज़ मैं इसको डाउनलोड्स में डाल देता हूँ, तो ये मेरा इमेज जो है यहाँ डाउनलोड्स में यहाँ पे है एग्जांपल वन नेम से। ठीक है, और मेरे को इसको लिंक करना है अपने HTML के साथ, तो मेरे को क्या करना होगा, जो इसका URL है मतलब इमेज का जो लोकेशन है प्रॉपर लोकेशन है मेरे को वो डालनी होगी। तो लोकेशन हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देन उसके बाद आपका यहाँ पे लोकेशन शो कर रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ से लोकेशन कॉपी कर लेंगे। थोड़ा ये मतलब लेंदी प्रोसेस होता है इसलिए मैंने आपको बोला कि जिस फोल्डर में आपका HTML का पेज होगा आप उसी फोल्डर में उसको भी रखना। ये हो गया, और हम SRC में क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लैश, तब मेरा ये प्रॉपर आपका यहाँ से यहाँ तक ये लोकेशन हो गया मेरा इमेज का, बट मेरा वहाँ एग्जांपल वन था, एग्जांपल वन नाम से इमेज सेव है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल वन सेव कर लेता हूँ। अब इसको हम सेव करेंगे, फिर इसके बाद रन करेंगे तो मेरा देखो यहाँ पे इमेज आपका शो कर जा रहा है। ठीक है, मेरा यहाँ इमेज शो हो रहा है। और अगर हम मान लो यहाँ पे अगर ये लोकेशन हटा देते हैं यहाँ से हम सिंपली इसको हटा देते हैं और सेव करते हैं, देन देखना आप ये रन नहीं करेगा, यहाँ पे इमेज शो नहीं होगा। तो मीन्स अगर आपका कहीं और किसी ड्राइव में रखा हुआ है कोई भी इमेज या फिर कहीं और फाइल में रखा हुआ है, तो अगर आपको उसका इमेज लेना है तो आपको क्या करना होगा कि उसका पूरा पाथ जो भी पाथ है आपको वो लिखना होगा यहाँ पे। तो एक चीज़ ये हो गया। अब सपोज़ आप मान लो कि आप ये चाहते हो कि आप अपना जो इमेज है वो डाउनलोड नहीं करके आप डायरेक्ट किसी मतलब ऑनलाइन साइट से आप वहाँ से उसका URL कॉपी करके आप इसमें डाल के रन कराना चाहते हो, हाँ तो ये भी पॉसिबल है। अब सपोज़ मैं
एक कोई भी इमेज कॉपी कर लेता हूँ, सपोज वेक्टर इमेज कहीं से मैं ऐसे उठा लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे को ये इमेज डालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको करके कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, ये मेरा लिंक एड्रेस आ रहा है, या फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, ये ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, इसका इमेज का एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, बस जो यहाँ लोकेशन SRC में मैंने दिया हुआ था उसकी जगह मेरे को ये पेस्ट कर देना है, ठीक। ये मेरा बहुत दूर चला गया, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि वर्ड को रैप कर देता हूँ, तो मेरा ये सब साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो आपका वो इमेज डायरेक्टली आपका यहाँ पे शो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी इमेज को अपने लोकल होस्ट से भी, लोकल अपने PC में से भी इसका लोकेशन दे सकते हो, या फिर अगर आपको मान लो ऑनलाइन कहीं इमेज को यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक दिक्कत होगी कि आप जैसे मान लो अभी तो आपने होस्टिंग मतलब उसको होस्ट नहीं किया हुआ कहीं, आप लोकल होस्ट पे चला रहे हो, अगर सपोज़ मान लो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन चला जाए तो आपको ये वाला जो इमेज है वो शो नहीं होगा आपके वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये इशू आती है, अगर आपके पास मतलब पहले से आप किसी फोल्डर में इमेज रखे हुए उसको आपको दिखाना तो वो आपके भाई आपके पास ही है वो तो आपको इजीली शो हो जाएगा। तो ये हो गया, तो मैं जो मेरा पहले था मैं वही ले लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए नेक्स्ट के बारे में, ठीक है, ये मेरा पहले वाला हो गया। अब सपोज कि जैसे ये इमेज है, अभी देखो आप इमेज पे जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो मेरा ये जो माउस का कर्सर है वो कर्सर ही है, ठीक है, ये अभी लिंक नहीं है, आप इसको क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जैसे ही इस इमेज को क्लिक करो तो आपका कोई और वेब पेज ओपन हो जाए, उसको करने के लिए क्या करना है मेरे को, जो ये इमेज टैग है इसको बस मेरे को क्या करना है, एक एंकर टैग के अंदर में डाल देना है। तो हम जो नॉर्मल एंकर टैग जैसे लिखते थे HREF और इसमें हमको लोकेशन देना है, मेरे को जैसे इमेज क्लिक करने पर मेरा ये इमेज कहाँ ओपन हो, तो सपोज मैं दे देता हूँ https://www.google.com, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। और जो मेरा ये एंकर टैग है मीन्स ये तो मैंने यहाँ बंद कर दिया, बट जो मेरा ये इमेज टैग है ना ये इस एंकर टैग के बीच में आना चाहिए, तभी आपको जैसे मैं वहाँ पे करता था कि अगर मान लो आपको कोई सेंटेंस लिखना है या फिर कोई भी आप टेक्स्ट पे करते थे तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पर उस टेक्स्ट को यहाँ पर कुछ लिख देते थे तो वो क्या होता था, ये टेक्स्ट आपका लिंक में कन्वर्ट हो जाता था। तो सेम चीज़ हमको यहाँ करना है कि जो मेरा ये इमेज टैग है, जो मेरा ये इमेज वाला है पूरा, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ से इसको हटा दूँगा। अब दो दो बार तो इमेज सोनी ना करनी है मुझे, मैं यहाँ से इसको हटा दूँगा। तो ये क्या हुआ कि AHREF में मेरा इतना दूर जो है ये आपका लिंक शो करा है कि आपको किस वेब पेज पे जाना है, उसके बाद ये जो आपका बीच में है ये आपको शो कर रहा है कि मैं कौन से एलिमेंट को क्लिक करूँगा तो वो लिंक मतलब वहाँ पे रन करेगा। तो मैंने टेक्स्ट की जगह पे क्या किया, मैंने इमेज को डाल दिया और फिर यहाँ पे मैंने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो बस इसको मैं सेव करता हूँ और देन इसको रन करता हूँ। अब देखो पहले मैं होवर करता था तो मेरा कर्सर आ गया था, अब मेरा हैंड का सिंबल आ रहा है और मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो मेरा google.com ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि हम लोग अपना जो इमेज टैग है उसको कैसे यूज़ करते हैं, अपने वेबसाइट में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं इजीली बाय द हेल्प ऑफ इमेज टैग। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि आपका जो मतलब वेब पेज का जो भी बैकग्राउंड होता है हम उसमें बैकग्राउंड इमेजेस कैसे सेट कर सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, हम लोग उनके बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।